हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। वर्तमान में यूनेस्को के विश्व धरोहर हैं, जिनमें राजस्थान के भी किले शामिल है। आज उनका हम अध्ययन करेंगे और ट्रिक के माध्यम से अध्ययन करेंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ ट्रिक होगी, समस्त प्रकार की जानकारी फोटो के माध्यम से, जानकारी के माध्यम से आपको दी जाएगी, ताकि आप इस चीज को कभी नहीं भूलें। आपको पता है, मैं हर बार बोलता हूँ, जिस चीज का आपने चित्र देखा हो उसे आप नहीं भूलते हैं। जो चीज आपने रटी हो वो भूल जा सकती है, जिस चीज को आपने ट्रिक के माध्यम से पढ़ा हो उसे भी आप भूलने में थोड़ी देरी करते हैं, वो आपको जल्दी याद आ जाती है। तो आज हम ऐसे ही पढ़ेंगे। वर्तमान में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहरें जो घोषित कर रखी है, उसमें राजस्थान के किले आते हैं। और वो कौन से किले हैं जो आते हैं? ये किले बेसिकली हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में इनका नाम आता है, हर एग्जाम में इनसे प्रश्न बनता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, वर्तमान में यूनेस्को द्वारा जो विश्व धरोहर की सूची दी है उसमें राजस्थान के कौन कौन से किले आते हैं। दोस्तों, टोटल 6 किले हैं जो आते हैं। इन्हें हम दुर्ग के नाम से भी जानते हैं, किले के नाम से भी जानते हैं। तो किले और दुर्ग में सबसे पहली बात, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात अगर मैं करूं, ऐसे जो राजस्थान के किले हैं जिनको विश्व धरोहर माना जाता है, उन्हें वर्ल्ड हेरिटेज भी कहा जाता है अंग्रेजी में। तो अगर मान लो वर्ल्ड हेरिटेज का नाम भी अगर आए तो प्रश्न में आपको चौंकना नहीं है। सिर्फ अंग्रेजी में परिवर्तन उसको किया है, बाकी कुछ चीज नहीं है। कुछ अंग्रेजी के शब्द ऐसे हैं जो हिंदी के प्रश्नों में यूज कर लिए जाते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्न भी बन सकते हैं वर्ल्ड हेरिटेज के नाम से भी। अब इनकी सबसे पहले मैं बात करूं तो ट्रिक है गाजर, चीकू, आम। खाने की चीजें होती है, सब्जी बना के गाजर खाते हैं, चीकू का फल होता है और आम भी फल होता है। किस प्रकार से याद करना है, सबसे पहले देखते हैं ट्रिक के बारे में अध्ययन। गाजर, गाजर यानी गागरोन। गागरोन का जो दुर्ग है, जो किला है, झालावाड़ में यह पड़ता है। संपूर्ण अध्ययन आगे हम करेंगे किले का, किस प्रकार से सब चीजें होती है। उसके बाद गाजर से तो बनता है, गाजर के गा से बनता है गागरोन, ज से बनता है जैसलमेर, गाजर के ज से जैसलमेर, जैसलमेर का दुर्ग है। उसके बाद रणथंभौर का किला, जो नेशनल पार्क है वहां रणथंभौर सवाईमाधोपुर में, वहां पर एक किला भी है, उन्हें हम रणथंभौर के किले के नाम से जानते हैं। तो गाजर से बने अपने 3 किले कौन कौन से? गागरोन, जैसलमेर और रणथंभौर। गा से गागरोन, ज से जैसलमेर और र से रणथंभौर। आगे हम बढ़ते हैं, आगे आता है चीकू। चीकू के ची से बनता है चित्तौड़। चीकू के ची से क्या बना है? चित्तौड़गढ़। याद रखना है आपसे, चीकू के ची से बना है चित्तौड़गढ़, करकू से बना है कुंभलगढ़। ध्यान रख लेना, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ दोनों ही एक ही राज परिवार के किले थे, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और आम से बनता है आमेर। सीधी सी बात है, आम से आमेर ही बनेगा, और कुछ तो बन सकता नहीं है। गाजर, चीकू, आम याद रखो, आपको समस्त जानकारियां इस ट्रिक के बारे में आपको याद आ जाएगी। डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं राजस्थान का, कोई सा भी एग्जाम हो, RAS से लेकर के छोटे से छोटे ग्राम सेवक के एग्जाम हो, पटवारी के एग्जाम हो, इन एग्जामों तक ये प्रश्न पूछे जाते हैं, आप बेसिकली इनमें गलतियां कर देते हो। तो विश्व धरोहर जो है, वर्ल्ड हेरिटेज जिसे हम कहते हैं, वो 6 किले हैं, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़। ट्रिक क्या है? गाजर, चीकू, आम। एक बार और रिवाइज में इसको करवा देता हूं आपको, क्या करना है? गाजर, चीकू, आम याद रखना है, गा से गागरोन, ज से जैसलमेर, र से रणथंभौर, ची से चित्तौड़गढ़ और कु से कुंभलगढ़ और आम से आमेर। अब आगे हम अध्ययन करते हैं इनका डीपली, कि क्या क्या चीजें इसमें होती है। अगर मान लो ये ट्रिक आपको याद है, अंदर से प्रश्न आ गया, तो आप कैसे करेंगे? दोस्तों, किसी भी चीज को याद रखने का सबसे सिंपल तरीका है, आप उसका चित्र देखो, उसका फोटो देखो। जो चीज ये प्रश्न कई एग्जाम में पूछा गया है कि सीखने की सबसे सिंपल, सबसे सरल विधि है, तो देख करके जिस चीज को अपन सीखते हैं इसका आंसर होता है देख करके। सुन करके भी नहीं सीख सकते, देख करके जो सीखते हैं वो सबसे सिंपल विधि होती है। तो ये चित्र आप देख लीजिए, ये गागरोन के किले का चित्र है, दो नदियां इसमें दिखाई दे रही है, वहां पर संगम होता है इस किले के अंदर। ये किला जो बना हुआ है, इस प्रकार का ये किला है, और इस किले के अंदर मैं आपको एक कहानी ये बताऊं कि एक समय पे यहाँ के राजा से युद्ध हुआ था, और युद्ध में क्या हुआ था, जो प्रतिद्वंदी था उसने गायों को मार करके इस किले के आसपास पटक दिया था इस पानी में, ताकि किले के जो लोग अंदर रहते थे दुर्ग के अंदर, उनका पानी पीना दूभर हो गया था और वो बाहर निकल कर आए, फिर वो युद्ध हुआ, नहीं तो इस किले को कोई भेद नहीं सकता था क्योंकि नदियों से ये घिरा हुआ था। तो ये था अपना झालावाड़ में स्थित है, झालावाड़ राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में आता है। हाड़ौती क्षेत्र की बात करूं तो बाकी और क्या कौन कौन से जिले आते हैं हाड़ौती में, लिंक करना सीखे दोस्तों, इसी से याद होता है। हाड़ौती में आते हैं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो ये झालावाड़ का किला है, झालावाड़ में गागरोन में ये बना हुआ है, ध्यान आ गया।
ये इसके चित्र हैं। आगे हम बात करते हैं जैसलमेर का दुर्ग। जैसलमेर में बहुत ही शानदार फोर्ट है जिसे हम जैसलमेर दुर्ग के नाम से जानते हैं। ये यहाँ पे बहुत सी बार आपने, अगर आप राजस्थान बोर्ड से रहे होंगे तो संजीव पासबुक देखी होगी, उसमें इसका फोटो दिखा होता है। तो इस प्रकार से आप किसी भी चीज़ से आप इसको लिंक कर सकते हैं। अधिकतर लोग संजीव पासबुक को पढ़े होंगे जो राजस्थान बोर्ड से होंगे। ये उसी किले के दृश्य हैं, बहुत ही मनोरम ये किला है। रेगिस्तान में बसा हुआ है तो भी यहाँ पर ये अच्छा लगता है, बहुत ही लोग इसको देखने आते हैं। अगर समय मिले तो आप इसको देखिएगा, बहुत सुंदर ये जगह है। आगे अगर मैं बात करूं तो राजस्थान का शिरोमणि जिसे कहा जाता है, राजस्थान में बहुत ही अच्छी जगह जो है वो है रणथंभौर। रणथंभौर में क्या है, सबसे पहले तो टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अरावली की पहाड़ियों में पूरा ये रणथंभौर बसा हुआ है, और अरावली की वहीं अरावली क्षेत्री आता है इसमें, और यहाँ पर एक दुर्ग बसा हुआ है। दुर्ग जो है उसका नाम है रणथंभौर का दुर्ग। ये उसी दुर्ग की फोटोज है, आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर मनोरम यह दृश्य। अब ये दुर्ग जो है जो सिमिलर लगता है अपने आमेर के दुर्ग से, लेकिन ये आमेर का दुर्ग नहीं है, ये है रणथंभौर का दुर्ग। ध्यान से आपको देखना है। इसके बाद अगर रणथंभौर का आपका हो गया तो आते हैं हम चित्तौड़ के। दोस्तों चित्तौड़ के दुर्ग में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। राजस्थान का दुर्ग में सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग आमेर का भी नहीं है जितना चित्तौड़ का है। कारण ये है कि ये दुर्ग आपके मालवा का प्रवेश द्वार माना जाता है, और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, एक श्रेणी होती है गिर श्रेणी में ये दुर्ग बना हुआ है। इनकी श्रेणियां बेसिकली दी हुई है। आपको एक बात और बताऊं तो मैं, इस दुर्ग की बहुत बड़ी कहानियां हैं। 8 किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है। अब 8 किलोमीटर के एरिया में प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि इसकी लंबाई कितनी कितनी बतानी आपको 8 किलोमीटर के एरिया में। बहुत सुंदर ये है, जो जाते हैं वो देखते होंगे। चित्तौड़ में अगर जाइएगा तो देख लीजिएगा, अनेक प्रकार के मंदिर भी बने हुए हैं। मीरा का मंदिर है यहाँ पर ये, और इस प्रकार से आप देख सकते हैं मीरा के मंदिर भी यहाँ पर हैं। पूरा चित्तौड़ का दुर्ग है, और ये जो दिख रहा है आपको ये क्या है, ये विजय स्तंभ है। तो इस एक फोटो से आपके 7-8 प्रश्न निकल के आ रहे हैं। इसकी पूरी जो चौड़ाई है वो 2 किलोमीटर है, ध्यान रख लेना, चौड़ाई 2 किलोमीटर है और लंबाई कितनी है। सिर्फ ट्रिक ही नहीं बताते, हमारा मकसद सिर्फ YouTube पे वीडियो डाल के सिर्फ व्यूज कमाना नहीं है, हम आपको पूरा ज्ञान देना चाहते हैं। ध्यान से देखिए, 8 किलोमीटर सिर्फ चौड़ाई है, 8 किलोमीटर सिर्फ आप इसकी, 2 किलोमीटर सिर्फ चौड़ाई है, 8 किलोमीटर लंबाई है। तो 8 किलोमीटर तो ये लंबा है, 2 किलोमीटर ये चौड़ा है। और दोस्तों एक बात मैं और बताऊं, इस दुर्ग में टोटल 7 प्रवेश द्वार हैं, और बहुत ही सुंदर ये दुर्ग है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसी दुर्ग के फोटो हैं। एक बात मैं और बताऊं, इसके लिए महत्वपूर्ण बार पूछा जाता है, ये चित्रकूट पर्वत पर बना हुआ ये दुर्ग है। अरावली का एक पर्वत है, अरावली की पहाड़ियों में ये बसा हुआ है। अरावली का एक पर्वत है, उसका नाम है चित्रकूट पर्वत। चित्रकूट पर्वत ये है, तो इसको इसी नाम से चित्रकूट जो है वो भी कहा जाता है। तो ये हो गया आपका चित्रकूट दुर्ग भी इसे कहा जाता है। तो ये हो गया आपका चित्तौड़ का दुर्ग। आगे हम देखते हैं, अगला दुर्ग है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग भी बहुत ही सुंदर मनोरम दुर्ग है, और ये राजसमंद के अंदर है, ये ध्यान रख लेना। कुंभलगढ़ दुर्ग जो है राजसमंद के अंदर है। राजसमंद आपके उदयपुर क्षेत्र में आता है, उदयपुर क्षेत्र मतलब उदयपुर संभाग में, ठीक है ना। आगे हम देखते हैं, ये सभी इसी के फोटो है, बहुत अच्छे अच्छे फोटोज भी इसके हैं, और आप देख सकते हैं बहुत शानदार ये दुर्ग है। बहुत लोग देखने जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये राजसमंद में पड़ता है और वर्ल्ड हेरिटेज में आता है। यहाँ पर ये आप दो चीजें देखेंगे, एक ये और एक ये दोनों जो है वहां पर जैन मंदिर बने हुए हैं दुर्ग के अंदर। ये बहुत ही फेमस जैन मंदिर है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर क्या बने हुए हैं, जैन मंदिर भी बने हुए हैं, इन पर बहुत सारे बार प्रश्न बने जाते हैं। राणा कुंभा जो था उन्होंने इसका निर्माण भी करवाया था। आगे हम देखते हैं आमेर का किला। आमेर के किले के बारे में आप सब जानते होंगे, जयपुर में है। कुकस की तरफ अगर अपन जाते हैं, थोड़ा आगे निकलते हैं तो वो जो रोड होता है वहां पर ये आता है। ये सामने इसके पुल है, मतलब पुल क्या मतलब इस प्रकार से इसका तालाब है, उसको पार करके जाते हैं। तालाब साइड में है, और उसके बाद चढ़ाई करना पड़ती है। अलग अलग प्रकार की फिल्में यहाँ पे शूटिंग होती रहती है, बहुत अत्याधुनिक हो ये चीज परावर्तनीय हो चुकी है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। अगर मैं नाम दूँ तो बहुत सारी फिल्में हैं जो यहाँ पे शूट होती रहती है। पद्मावती का केस तो आपने सुना ही होगा, जो कांड वहाँ पे हुआ था वो इसी के अंदर हुआ था। उसके बावजूद भी बहुत सारी फिल्में हैं, जैसे आपको मैं एक नाम दूं तो बोल बच्चन एक फिल्म आई थी, उसकी शूटिंग भी यहीं हुई थी। और उसके बाद सलमान खान की बहुत सारी पिक्चरें हैं जो यहीं शूट हुई है। आपको मैं एक बात और बताऊं तो उसकी पिक्चर थी वीर, उसकी शूटिंग भी यहीं हुई थी। वहां तब का सीन ये था जब इसकी जो थी एक दीवार थी वो ढह गई थी, तो वहां पर कैजुअलिटी तो कुछ नहीं हुई थी, लेकिन वो हादसा हो गया था। इस वजह से इसको बहुत फेमस माना जाता है, और बहुत ही पुराना
विरासत ये है, बहुत सुंदर लगता है, बहुत लोग इसको देखने आते हैं। तो ये जयपुर का दुर्ग है और आप इसको देख सकते हैं। इसको अपन आमेर के नाम से जानते हैं, अंबर फोर्ट भी कहा जाता है, आमेर इसका फेमस नाम है। आमेर एक प्रकार से वहाँ का इलाके का नाम भी आमेर ही है। तो ये हुआ अपने राजस्थान के विश्व धरोहर। इस वीडियो को देखने के बाद ही मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप एक भी प्रश्न इस दुर्ग के संबंधित आए आपका गलत नहीं होगा। अगर हकीकत में आपको ये वीडियो समझ में आया हो, हकीकत में आपको लगा हो कि आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो कमेंट में जरूर लिखिए कि हाँ हमें ऐसे वीडियो पसंद आ रहे हैं ताकि हम और ज्यादा बना सकें। और अगर नहीं आते हैं आपको पसंद, तो हमें कारण बताए क्या कमी है, हम इनको बनाना बंद कर दें, कोई दिक्कत नहीं, कोई दूसरी चीज लाएंगे जो आपको पसंद आएगी। ठीक है, धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।